के मंच से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को खूब खूब और सभी भक्त परिकर की ओर से, संतों की ओर से खूब खूब उनको साधुवाद दे दें, क्योंकि वे अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी जी श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा आए थे और उन्होंने घोषणा की है, फैसला किया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थली के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में शराब, मांस, अंडा, मादक पदार्थ नहीं बिकेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है। धन्य है। बड़े बड़े अच्छे कार्य इस बार हुए। आप सोचिए, भारत को स्वतंत्र हुए 70 साल से तो ऊपर हो गया, अब तक कोई राष्ट्रपति अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं गया था। वर्तमान महामान्य महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को ये सौभाग्य मिला कि वह इस वर्तमान स्वतंत्र भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अयोध्या में जाकर राम जन्मभूमि का दर्शन किया, रामलला का दर्शन किया, पूजन किया, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लिया, निरीक्षण भी किया, पूरा प्रकरण भी देखा। झूठी भ्रम में डाल देने वाली धर्म निरपेक्षता को नेता ढोते चले आ रहे थे, जिस धर्म निरपेक्षता का प्रयोजन था गैर हिंदू तुष्टीकरण और हिंदुओं को एकदम नीचे से नीचे ले जाना, यही तुष्टीकरण का, वही तुष्टीकरण है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ यही था। इसी भय से कोई नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अयोध्या वृंदावन नहीं जाता संत के पास। हाँ, किसी मजार जलेब भरी चला जाए पर वहां नहीं जाता था। पर अब मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया, जिनके कुल गोत्र का भी कोई निर्णय ठिकाना नहीं, वो भले ही कुर्ता के ऊपर से ही सही, पजामा के ऊपर से ही सही जनेऊ पहन लें, भले ही इधर से न पहने इधर से पहन लें, भले ही दिखाने के लिए लंबा लाल टीका लगा लें, लेकिन अब सबको जबरदस्ती उसने कह दिया भैया वोट के लिए ही सही यदि तुमको कहना, तब हिंदुत्व से तुम दूर नहीं भाग सकते। और इस देश के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पूरे देश के, जीवन भर में आज तक कोई नेता इतनी बार अयोध्या नहीं गया होगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी बार योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या जी होके आए। और अयोध्या का दीप मालिका महोत्सव तो क्या कहना, लगता है कि राम जी, वस्तुतः उनका वनवास अब पूरा हो गया, अब राज्याभिषेक होना है, तो निश्चित ही इस घोषणा का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, आदर करते हैं और साथ ही साथ ये और निवेदन करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं कि केवल 10 वर्ग किलोमीटर में नहीं, हम तो कहते पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में कम से कम, ऐसे पूरा भारत हो जाए तब तो कहने ही क्या है, क्योंकि भारत की धरती ही महान तीर्थ है, लेकिन कम से कम पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। चलो